Hi guys, welcome back to my channel Sheetla's Weight and Watch. I know मैं बहुत ज़्यादा irregular रही हूँ videos post करने में. बिल्कुल reasons नहीं दूँगी इस बार पिछली बार की तरह, but I promise to post a video every week. और I'm really sorry कि मैं last 3 weeks से मैं बहुत ज़्यादा irregular रही हूँ, but अब मैंने promise कर दिया है. आई पोस्ट अ वीडियो एवरी वीक. तो आज का जो वीडियो है वो है घुटनों की एक्सरसाइज. मतलब जिसको नी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, जो नी पेन के कारण कोई काम नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो जब वो फेस करते हैं कुछ काम ना करना, बैठे रहना, पेन रहना, कुछ करो तो पेन रहना, वर्कआउट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, डांस आता है तब भी नहीं कर सकते, तो आई गेस दैट्स वेरी डिप्रेसिंग. तो उसको ठीक करने के लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास, आपके साथ जो भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो थोड़ा पीछे हो जाती हूँ और सबसे पहले इसमें आपको अपना जो पैर है वो स्ट्रेट रखना है, ठीक है. ये बहुत नॉर्मल है, मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि ये बेस्ट है हर चीज़ के लिए. आपको अपना जो हाथ है इस तरीके से क्रॉस पे रखना है, हाथ ऊपर जाएगा और आपको पैर ऊपर लेना है इस तरीके से. 1 2 मैं हर बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, आपको अपने पैर घसीटने नहीं है, आपको अपने पैर उठाकर रखने हैं और उठाकर वापस नीचे रखने हैं. देखिए ऐसे उठाया और मैंने रखा, फिर उठाया और नीचे रखा. तो ऐसे करना है आपको. ये आप 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है, बट 50 या 100 से कम नहीं करना है. या तो फिर आप 25-25 के 4 राउंड्स कर सकते हैं, या फिर आप 10-10 के 5 राउंड्स कर सकते हैं, बट रुकना नहीं है, ठीक है. ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज इसमें आप क्या है, आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है. खड़े होकर आपको साइड बाय साइड जाना है. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको 2 स्टेप्स साइड में लेने हैं इस तरीके से. 1 2 1 2 इसमें जो आपका हाथ है वापस ऐसे आप करना है और ऊपर नीचे होगा, ये देखिए ऐसे. 1 2 1 2 देखा आपने. ये ऐसा वाला भी करना है आपको साइड बाय साइड. काउंटिंग कैसे होगी, आप जब यहाँ 2 स्टेप्स ले लेते हैं तो वो 1 काउंट होगा, ये देखिए ऐसे. 1 2 3 ये भी आपको एटलीस्ट 50 टाइम्स तो करना ही करना है, ठीक है. उसके बाद जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपके पास कोई भी मतलब दीवार या कुछ तो होता, मतलब होता ही है वो सब, तो आपको उस पर हाथ रखना है, ठीक है. हाथ रखने के बाद में आपको अपना एक पैर उठाना है धीरे धीरे, सो ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे ये आप लोग. 1 2 3 4 ठीक है. इस तरफ करेंगे आप 10, दूसरा पैर करेंगे घूमकर 10. तो आपको ऐसे करना है 5 times, मतलब दोनों पैर मिलाकर एक सेट बनेगा. ऐसे आपको 5 बार करना है, ठीक है. तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी आपकी घुटनों की पेन के लिए जो बहुत 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 इफेक्टिव है. अब जो मैंने एक्सरसाइज बताई और आपको मतलब अगर ऐसा विश्वास नहीं है कि सच में मतलब ये सबसे घुटना ठीक होता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके लिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी हमारे फेसबुक प्रोफाइल का और इंस्टा का भी, जहां पर जाकर आप खुद CID कीजिए कि कैसा क्या कहाँ है, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, कैसा है, क्या यूज़ करवा रहे हैं, क्या यूज़ नहीं करवा रहे हैं. आप खुद पहले पूरी जांच लीजिए, उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं. हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो मैंने घुटनों की एक्सरसाइज बताई, आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को, ज़्यादा अगर बहुत सीरियस है तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को एटलीस्ट 5 या 6 महीने तो देने ही देने हैं. उससे पहले आप सोचें कि मिरेकल हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से ख़राब है. आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, चाहे आप अहमदाबाद में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप जो आपको पिल्स दिए जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं मालूम. बस आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और आप वो मेडिसिन ले लेते हैं. तो वही ट्रस्ट हमें चाहिए कि आप हम पे ट्रस्ट करें और जो हम बता रहे हैं वैसा आप फॉलो करें. घुटनों के ऑपरेशंस भी होते हैं, जिसके बाद ऐसा बिल्कुल 100% श्योर नहीं रहता है कि ऑपरेशंस होने के बाद में आपके घुटने एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, ज़्यादातर ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं और उसके लिए अगर ऑपरेशन आपने करवाया है तो उसके बाद आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं फॉलो करने के लिए वो लोग बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. तो आप इतने सारे झंझट करें, इससे अच्छा आप क्यों ना एक नॉर्मल जो वर्कआउट आपको बताया जा रहा है आप वो करें, उसे फॉलो करें और अच्छी डाइट लें. अच्छी डाइट मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, आप स्टार्वेशन मोड पर चले जाएँ. अच्छा खाना ये नहीं होता है. अच्छा खाना मतलब एकदम घर का बना हुआ, एकदम अच्छा बैलेंस डाइट आपकी बॉडी के हिसाब से, जो आपको नीड है उसके हिसाब से. ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, ये तीन एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसके आप सेट्स भी कर सकते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट वाली बताई थी पैर खींचने वाली, मैंने सेकंड बताई थी साइड बाय साइड जाने वाली, और मैंने थर्ड बताई थी लेग रेज करने वाली. तो वो आप जो है वर्कआउट उसके आप खुद भी सेट्स बना सकते हैं. जैसे आपने फर्स्ट ये कर लिया 25, फिर आपने साइड बाय साइड कर लिया 25, फिर आपने ये वाला कर लिया 10-10, तो एक सेट हो गया. ऐसा आप 5 सेट्स कीजिए, है ना. जब आप थक जाते हैं तो रुकिए, बट रुकना ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मिनट तक आप रुकते ही रहें और आपका पूरा आराम ही हो जाए. इतना आराम नहीं लेना है. ठीक है, लेना है, रेस्ट ले सकते हैं, बट एकदम ज़्यादा नहीं लेना है. हमसे जुड़ने के लिए मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, वहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि कैसा क्या रहेगा. और जो घुटनों के ट्रीटमेंट जो रहते हैं, जो मतलब जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं घुटनों के, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगी. तब तक के लिए जिनको प्रॉब्लम है वो प्लीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करें. जो लड़कियाँ या जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको लगता है कि किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की, नानी मामी काकी या कोई भी, एज का कुछ भी नहीं है, घुटनों की प्रॉब्लम किसी को भी आजकल कभी भी हो जाती है. तो अगर वो लगता है कि ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उनके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कीजिए. क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं. मैं, मुझे मालूम है, हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, और आएंगे भी. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पोस्ट करने वाली, आएंगे भी, बट इस बार कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगी. तो तब तक के लिए हम जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आगे जो मैं डालूँगी वीडियो उससे आप हमसे मतलब देख सकें. ठीक है, तो जो एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको, उसे याद रखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा अभी से, नहीं तो कल से तो पक्का करना है जिनको प्रॉब्लम है उनको. ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी न्यू यू, बाय बाय.